आपकी आपके बेटे को, आपकी बीवी को यह वाजे तौर पर कह दिया शाह साहब कि अगर आपको रेंट नहीं देना है मुझको मत दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है आई कैन अंडरस्टैंड, आप यू नो यू जस्ट यू डोंट पे मी द रेंट, आप छोड़कर जा सकते हैं और मैं आपका 11 महीने का किराया, मैं आपका किराया भी माफ कर दूंगा। मैं ये बात बोला, अगर मैं ये बात नहीं बोला जनाब तो मैं हुजूर की उम्मत में से नहीं, अगर मैं ये बात नहीं बोला। आई हैव टोल्ड यू दिस। आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। किराएदार ने किया मकानदार को हरासा जबकि 11 महीने का किराया बाकी, उल्टा मकानदार पर ही इल्जाम। ये वाकया है लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद खदरबाग का। करामत के ओनर सोहेल हशमत खान ने 8 अगस्त को शाये होने वाली न्यूज़ के बारे में कहा कि सैयद शहाब मुहियुद्दीन जो कि किराएदार है उनके इंटरव्यू को बेबुनियाद और गलत करार दिया। उस सिलसिले में मालिक मकान ने इस बात का खुलासा किया। इन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को इनके किराएदार ने उन्हें चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। ऐसे ही और 3 चेक्स दिए इस किराएदार ने जो कि बिल्कुल नाकारा थे यानी बाउंस हो गए। फिर भी मकानदार सोहेल हशमत ने कभी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की बल्कि उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया। यहां तक कि उनके हर चेक्स बाउंस हो गए यानी चौथा चेक 10 जुलाई को दिया गया 1,36,000 रुपये का, वो भी बाउंस हो गया। यानी बाउंस होने की बात की जाती तो कुछ महीने का किराया अदा करते। ये सिलसिला जारी रहा। ओनर सोहेल हशमत ने उन्हें ये भी कहा कि इन 11 महीनों का किराया तक माफ़ कर देंगे, उनका मकान खाली कर दें। तब भी किराएदार ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और किसी मुकामी चैनल से राब्ता करते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की। इन तमाम बातों का खुलासा हम सुनते हैं मालिक मकान की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन और हजरात, मेरा नाम सोहेल हशमत खान और मैं 302 करामत का ओनर। 8 अगस्त को एक क्लिप आई थी अजान टीवी पर जिसके रिपोर्टर जनाब सैफ अली खान साहब थे और उस वीडियो क्लिपिंग में जनाब सैयद शहाब मुहियुद्दीन साहब अपना इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू मैं उस 8th के दिन मैं चेन्नई में था क्योंकि माय सन हैड द यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, सो ही इज़ गोइंग फॉर हिज मास्टर्स इन आर्किटेक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई वॉज देयर इन चेन्नई एंड माय कज़न हैड सेंट द वीडियो रिकॉर्डिंग टू मी एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझको बहुत अजीब महसूस हुआ जब मैं वो वीडियो कंप्लीट देखा एंड आई फेल्ट दैट आई शुड कम बैक टू द मीडिया एंड आई शुड डेफिनेटली क्लियर द एयर। लेट मी जस्ट गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड। शहाब साहब 30 जुलाई 2018 को हमारी बिल्डिंग करामत में ये दाखिल हुए। ये देखिए 30 जुलाई का पेपर है, 30 जुलाई 2018 का। पहला पेमेंट बराबर किए, दूसरा पेमेंट 2 मंथ्स रेंट ड्यू फॉर अगस्त एंड सितंबर जब लॉकडाउन नहीं था यहां पर। 28 अक्टूबर को एक चेक दिए जो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद 7 जनवरी को 4 मंथ्स ड्यू रेंट फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2018 एंड जनवरी 2019। उसके बाद फिर 4 मंथ्स, देन 3 मंथ्स, सब्सिक्वेंटली यू नो ऐसे ही होते गया। इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऑन द 11th ऑफ मार्च 2020 उनका 5 मंथ्स रेंट ड्यू फॉर नवंबर दिसंबर 2019 एंड जनवरी फरवरी मार्च 2020। लॉकडाउन तो 2020 मार्च से शुरू हुआ, 22nd ऑफ मार्च मोस्ट प्रोबेबली। उससे पहले भी इनका पेमेंट डिफॉल्ट था, राइट? शहाब साहब ये क्लेम करते कि हर मर्तबा लॉकडाउन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट स्विगी बराबर आई उनके पास, जोमैटो बराबर आया उनके पास, घर में दावतें बराबर हुए, बच्चे गाड़ियों पे जा रहे हैं आराम से, यू नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अपने अपने घर में, यू नो पूरे इवेंट्स हो रहे हैं, उसके वास्ते कोई लॉकडाउन नहीं था। लॉकडाउन तो मेरे पास भी था, लॉकडाउन तो शहाब साहब के पास भी था, लॉकडाउन तो सारे हिंदुस्तान में था, सारी दुनिया में था। राधा, हम खाना पीना तो नहीं छोड़ दिए,
हम लोग अपनी जिंदगी गुजारना तो नहीं छोड़ दिए, जो चले गए वो चले गए, उनकी बदनसीबी या खुशनसीबी, वॉट एवर. बट टू से दैट लॉकडाउन वॉज द रीजन फॉर द नॉन पेमेंट, लॉकडाउन से पहले कभी पेमेंट बराबर नहीं हुआ उनका. पेमेंट किए वो लोग, तीन तीन चार चार महीने, पांच महीने, छह महीने के बाद पेमेंट हुआ. My parents live here in Hyderabad. मेरे फादर was a professor in the university. हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर. मेरी वालदा पोस्ट ग्रेजुएट. ये लोग यहाँ पर रहते, इनका घर चलता. मेरे वालिद को कोविड हो गया था मार्च 2021 में. उससे पहले मेरी अहलिया को कोविड हुआ. हमको भी तो बिल्स देना था, हमारे पास भी घर में प्रॉब्लम थी. मेरे माँ बाप का घर चलता, ये पैसों किराए की वजह से, किराए से मेरे माँ बाप का घर चलता. माई मदर यूज टू कॉल देम एवरी वीक कि भैया शाहब पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए. नहीं आंटी, वो कभी बदतमीजी नहीं किए फोन के ऊपर मेरी वालदा के साथ. ही हैज नेवर स्पोकन इल. और हर मरतबा एक महीना दो महीने, हम बोले चले ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अच्छे लोग हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते. एंड यू नो इट वेंट ऑन. और अब हो ही गया कि 11 महीने का रेंट है इनके पास. और हम लोग कई मरतबा बोले, मैं यहाँ तक उनको ये बोला कि मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है उनके बेटे की, ये मेरे पास बाउंस चेक्स है इनके जो पूरे जो बाउंस चेक्स हुए थे, ये देखिए 10th ऑफ जुलाई का जो चेक है 1,36,000 का, यू सी इनसफिशिएंट फंड्स. ये दूसरा चेक 8/11/2018 का, ये है 22/6/2021 का. हर मरतबा इनका चेक बाउंस होता, हम बोले चले ठीक है. उसके बाद वो दो तीन महीने का पेमेंट करते थे, फिर एक महीना का पेमेंट करते थे, वॉट एवर इट यूज्ड टू कैरी ऑन. मैं उनको ये बोला कि देखिए शाह भाई, उनके बेटे से बात हो रही थी मेरी, उनकी वाइफ से बात हो रही थी, मैं बहुत इज्जत से बात किया उनके साथ. शाहब साहब को मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो ही टेल्स मी, बोल आप मुझको ये बताइए कि आप कोई आदमी आपको 11 महीने का रेंट देना है, ही हैज़ टू पे यू फॉर सो लॉन्ग एंड ही इज नीदर वेकेटिंग नॉर ही इज पेइंग यू. एंड देन ही स्टार्ट्स ऑफ बाय सेइंग यू नो रबिश लैंग्वेज, व्हाट वुड यू से, यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग, यू स्टार्ट शाउटिंग. उसके बाद उन्होंने शाहब साहब बात करना तो खैर मैं छोड़ दिया उनसे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. उनके बेटे से, उनकी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, बहुत इज्जत के साथ बात किए, कभी उनको हरास नहीं किए. और उन्होंने जो बोले हरासमेंट, शाहब साहब ये हरासमेंट नहीं बोलते उसको, उसको हरासमेंट कहते हैं. और मीडिया के ऊपर जब आप आते, जब आप बात करते तो आप इज्जत से बात करते, आप अरे तुरे से नहीं बात करते. शाहब साहब ये आपकी मेंटल एटीट्यूड या आपका मेंटल मेकअप बताता कि आप किस तरह से बात करते. शाहब साहब सबसे आप जो बहुत ही खतरनाक बात किए उसमें आप मोहतरम अहमद बलाला साहब, आली जनाब कौसर साहब, ये दोनों को शामिल किए. पता नहीं है अब क्यों शामिल किए, आपका इसमें क्या मंशा था. ना हम अहमद बलाला साहब ना कौसर मोहुद्दीन साहब को पहचानते, ना हमारी कभी वाकिफियत हुई, ना मेरी कोई वाकिफियत हुई. मेरी जो स्टाफ है वो मेरी स्टाफ मेरे दो लोगों पर मुश्तमिल है, मेरे मामू और मेरे खलेरे भाई. ये लोग बात करते हैं, ये लोग क्या है कि डील करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, वट एवर. वी हैव नेवर कॉल्ड एनी ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स. आई हैव नॉट नेम्ड एनी वन टिल नाउ. आई हैव नॉट नेम्ड एंड वाई शुड आई नेम समवन हु हैज नॉट डन एनीथिंग टू मी. Those are elected representatives of the people. They have the responsibility towards the people. You can't speak about them evil. आप उनका नाम लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था शाहब साहब कि what are you talking? What are you saying? उतने बड़े लोगों का नाम आप बीच में नहीं लेके आ सकते. और रेंट के चक्कर में 10 महीने, 11 महीने के चक्कर में, 1,00,000 रुपए के चक्कर में आप यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट बिग पोलिटिकल पार्टीज और वट एवर. वॉट शाहब साहब आप उसको क्लियर कीजिए. If you don't clear this, defamation, I will file a defamation case against you. You have to prove me. Either you have the video footage, or if you have any telecom conversation, or the complete CCTV camera is there, everything is there. Agar unke koi log aaye, अगर हम आपसे ये फोन पर धमकी दिए या किसी या यू नो अगर आपके सामने इनका नाम लिए, आप प्लीज ये लेकर आइए, पुट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आप नहीं करें शाहब साहब,
द बर्डन इज ऑन यू नाउ. I will file a defamation case against you, and I will file a defamation case against the news channel which has broadcasted. All right? I'm not going to leave you. You know why I took 10th? Today is the 11th. Because yesterday my son's visa got approved. Or main kal sham mein I came to Hyderabad. Meri legal team, I have spoken to everyone. I said, let me go back to Hyderabad. I will clear the air. I will clear everything. No problem at all. Absolutely. शाहब साहब, मैं आपको एक महीना पहले आपके बेटे को, आपकी बीवी को यह वाजे तौर पर कह दिया शाहब साहब कि अगर आपको रेंट नहीं देना है मुझको मत दीजिए. अगर आपके पास पैसे नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड. आप यू नो यू जस्ट यू डोंट पे मी द रेंट, आप छोड़कर जा सकते हैं. और मैं आपका 11 महीने का किराया, मैं आपका किराया भी माफ कर दूंगा. मैं ये बात बोला, अगर मैं ये बात नहीं बोला जनाब, तो मैं हुजूर की उम्मत में से नहीं. अगर मैं ये बात नहीं बोला, आई हैव टोल्ड यू दिस, कि मेरा भी नुकसान नहीं होना. आप जाइए, मुझको पता है कि आपके शायद हालात खराब है, वट एवर. तो आप मुझको पैसा नहीं दीजिए, मेरा घर खाली कर दीजिए और चले जाइए. यू नो यू फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द पुलिस, यू वेंट टू द पुलिस, आई डिड नॉट गो टू द पुलिस. इनफैक्ट मेरी वालदा गई आपके घर के ऊपर समझाने के लिए, शाहब साहब आपके बड़े फर्जंद थे जो कोई कंप्यूटर फर्म में काम करते. एंड ही स्पोक वेरी वेल, माई मदर स्पोक वेरी वेल. एंड यू टू ऑल द ओनर्स राधा, आप जब कभी किसी को देंगे, प्लीज डू द बैकग्राउंड चेक. दिस इज द मिस्टेक विच आई हैव डन, विच आई एम फेसिंग नाउ. आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? सो प्लीज फाइंड आउट एज टू वेयर द पीपल वे स्टेइंग. फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन उनके बारे में. आप एक फोन कर लीजिए या पुराने जो उनके मकानदार थे उनके पास जाइए. फाइंड आउट वेदर दे आर गुड पीपल और दे आर नॉट पीपल, दे आर नॉट गुड पीपल. एक आध महीना आपको सफर होगा, बट यू नो थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ लेटर ऑन. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से, एंड आई थैंक ऑल द मीडिया पीपल हु हैव कम दिस मॉर्निंग. आपने कहा था कि उनके जो बेटे, आपको कुछ वीडियो है, मैं प्रूफ बता रहे थे कि मैं 5 तारीख को खाली कर दूंगा. हाँ जी, ये मेरे पास वीडियो है इनका, लेकिन मैं उसकी फोटो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लड़का इज अ यंग गाय. जो भी मेरे से हुआ मैं आपको देके जाता हूँ, okay. ऐसा कुछ कम ज्यादा बोल के नहीं, okay. उसके बाद मैं थोड़ा टाइम लेके आपको चेक देके जाता हूँ. जब भी मैं पैसा मोटा मैं आपको देता हूँ. कौन सी तारीख के दिन खाली कर रहे हैं आप? 5 को मैं आपको देता हूँ. 5th अगस्त 2021. टेल मी क्लियरली 2021. ओके, 5th ऑफ अगस्त. 5th ऑफ अगस्ट, यस, थैंक यू. यू नो दिस इज द लेटर टू द ओनर, करामत अपार्टमेंट, आई सैयद शहाबुद्दीन is having a due payment, you see, for 11 months. You see here very clearly for 11 months, right? Ye 136 ka jo check tha, and he said very clearly, I, Sayyed Shahab Muhyiddin, hold full responsibility of the payments due and to be cleared on the given dates, failing which I'll be legally accountable. Ye aapke saamne paper hai, right? Yours faithfully, signed by Mr. Shahabuddin. And you see the check has bounced, You see, insufficient funds over here. Is this not sufficient proof to drag you in the court of law, Mr. Shahabuddin? I will take a legal action. I've told my legal firm to initiate the action, to wait for me. You know, today is the 11th and the process has already started. I will drag you to the court of law. Okay, nothing's going to happen. Absolutely nothing's going to happen. I will fight it out. Don't worry. I'm a very strong person. Okay, thank you so much. Thank you. Khuda hafiz. Jazakallah khair. Thank you.